दोस्तों, आप सब इतना तो जानते ही होंगे कि मोर बारिश के मौसम में पंख फैलाकर नाचता है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। या कुछ और दो चार फैक्ट्स भी आप जानते होंगे, लेकिin क्या आप जानते हैं कि मोर की पूंछ में कितने पंख होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मोर क्या खाता है? और क्या आप जानते हैं कि मोर की उम्र कितनी होती है? और क्या मोर संभोग करता है या मोरनी मोर के आंसू चुग के गर्भवती हो जाती है? इन सभी का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पुराने मिथ में माना जाता है कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है, हालांकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एक नर मोर अपने पंखों को फैलाकर एक मादा मोर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जैसे ही एक मादा मोर आकर्षित हो जाती है तो नर मोर उसकी पीठ पर चढ़कर मिलन करता है। मोर अपने पंख अधिकतर बारिश के मौसम में फैलाते हैं और इस मौसम में मोर नाचते भी हैं। ऐसा एक नर मोर एक मादा मोर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस नर मोर के पास ज्यादा खूबसूरत पंख होते हैं, मादा मोर उसी की तरफ आकर्षित होती है। वैज्ञानिकों को एक शोध में पता चला है कि नर मोर बारिश के मौसम में इसलिए नहीं नाचते हैं कि उन्हें पसंद है, बल्कि इसलिए नाचते हैं क्योंकि जब वह पंख फैलाकर नाचते हैं तो उस वक्त वह ज्यादा तेज से भाग नहीं सकते और इसलिए वे आसानी से हमले का शिकार हो सकते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में सभी जानवर अपनी जगह में छुपे रहते हैं, इसलिए मोरों के लिए सबसे उचित समय बारिश का मौसम होता है। लेकिन पुरुष मोर को ही पीकॉक कहा जाता है, मादा मोर को पीहन और बच्चों को पीचकिन कहा जाता है, और इसी समूह के शब्द के एक शब्द के लिए पीफ्लू इस्तेमाल किया जाता है। मोर 11 अलग अलग तरीके की आवाज निकाल सकता है। मोर का रंग हरा, नीला, सफेद, जामुनी, ग्रे हो सकता है। मोर की सुंदर और रंगीन पंखों की लंबाई 6 फीट हो सकती है। उनके शरीर की लंबाई का लगभग 7% होता है। जब मोर का जन्म होता है तो वह बिना खूबसूरत पंखों के जन्म लेता है। उनके जन्म के 3 साल बाद यह खूबसूरत पंख आने शुरू हो जाते हैं। ये पंख केवल पुरुष मोर को ही आते हैं, जबकि मादा मोर बिना पंखों के ही होती है। एक मोर की पूंछ में लगभग 150 पंख होते हैं और मोर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और वह इतनी की रफ्तार से उड़ भी सकता है। यह धरती का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। अगर हम बात करें कि मोर का जीवन काल कितना होता है, तो आपको बता दें कि जंगल में रहने वाले मोर की औसत आयु 20 साल की होती है। मोर पानी में नहीं तैर सकते। अगर इन्हें पानी में डाल देंगे तो यह तुरंत डूब जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास छल्लीदार पैर नहीं होते हैं, इसकी वजह से यह पानी में ऊपर तैर नहीं सकते। मोर पक्षी सर्वहारी होते हैं, यानी कि यह पेड़ पौधे और जंतु दोनों की को ही खा लेते हैं। यह घास, पत्ती, चने, गेहूं, कीड़े मकोड़े, छिपकली, चूहे, दीमक और सांप को भी खा सकते हैं। इन्हें किसानों का अच्छा मित्र भी माना जाता है। मोर के पंखों को पाने के लिए कुछ लोग मोर का शिकार करते हैं और इन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल अगस्त के महीने में मोर अपने पुराने पंखों को छोड़ देता है। आप जंगलों में जाकर इन्हें आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक आपने ये जाना होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका कलर नीला होता है, पर आप यह नहीं जानते होंगे कि म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है, लेकिन यह नीला मोर नहीं बल्कि ग्रे मोर है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का यह हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर दबाकर शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।